तंग आ गई हूँ मैं इस घर में। तुम लोग की डिमांडें खत्म नहीं होती। कभी किसी को आलू का पराठा चाहिए तो किसी को पूरी सब्जी, किसी को मैक्रोनी तो किसी को पोहे। भाई मैं इस घर में बहू हूँ या नौकरानी, जब देखो तब किचन में घुसा के रखते हैं। देखो बताई दे रही हूँ मैं तुमको, अपनी माँ को बोलो मेरे साथ काम में हाथ बटाए करें। अरे घर के बड़े बूढ़े कम से कम बर्तन तो उठा के रख देते हैं, पर तुम्हारी माँ से ये भी नहीं होता, पैर पे पैर पसारे बैठी रहती हैं, एक काम धाम उनसे होता नहीं। और मैं बता रही हूँ, या तो अपनी माँ को समझा दो कि मेरे साथ किचन में काम में हाथ बटाएंगी, नहीं तो मेरे लिए नौकरानी ला के दो, वरना मैं इस घर में काम नहीं करूंगी। हाँ नहीं तो अपने घर में रानी बन के रहती थी मैं, और यहाँ देखो सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम काम ही काम, नौकरानी बन के रह गई हूँ। बता रही हूँ मैं तुमको, मेरे लिए नौकरानी का अरेंज कर दो, वरना अपनी माँ को समझा दो मेरे साथ किचन में काम करेंगी, वरना चली जाऊंगी मैं घर छोड़ के। देख ली अपनी लुगाई को, महारानी को नौकरानी चाहिए, कैसी कैची की जवान चलती है हमारे इस घर के अंदर। अरे मैं इस उम्र में काम करूंगी क्या, शर्म है या कुछ है या नहीं है उसे। देख मैंने तुझे बताई दे रही हूँ, अगर इस घर के अंदर नौकर आए ना तो उसके हाथ का पानी तक नहीं पीऊंगी। अरे पता नहीं कौन सी जात बिरादरी का होगा, किस किस घर में जाता होगा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है नौकर वोकर। समझा दे अपनी बीबी को, वरना मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा उसके लिए। बाप अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो इतनी रात में? अरे माँ वो आज हमारी एनिवर्सरी है ना, तो हम बाहर डिनर करने जा रहे थे। अच्छा मुझे बताया तुम लोगों ने या पूछा मुझसे कि तुम लोगों को बाहर जाना है या बस मुंह उठाओ और चले जाओ, कोई वैल्यू नहीं है क्या मेरे इस घर के अंदर? अरे मम्मी इसमें पूछने वाली बात क्या है, मैंने ही बोला था इनको बाहर खाना खाना खाने के लिए, और वैसे भी आपका खाना बना दिया, आप वो खा के सो जाइएगा ना। तू तो बस चुप ही रह, खुद तो इज्जत करती नहीं है, मेरे बेटे को और बिगाड़ रही है। और तेरे हाथ का रखा हुआ मैं खाना खाऊं, तुम लोग बाहर का खाना खाओगे, तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं है। अरे तू तो मेरा बेटा है, कम से कम तू तो मेरी वैल्यू समझा कर, इससे तो मैं क्या ही कहूँ। देखा मैंने कहा था ना तुम्हारी मम्मी अपनी आदत से बाज नहीं आएंगी, टोक दिया ना उन्होंने, कर दिया ना कलेश। क्या चाहती है मम्मी आप, कि मैं अपने पति के साथ दो पल भी प्यार से ना बिताऊं? आपको खुशी नहीं होती ना कि आपके बेटे बहू कहीं बाहर जाके टाइम स्पेंड कर ले? बाहर जाकर ही टाइम स्पेंड होगा क्या, घर में दिन भर कमरे में घुसे रहते हो वो कम है तुम लोगों को? अब तुम कुछ नहीं बोलोगे ना अपनी मम्मी को, और वैसे भी जो पति अपनी बीवी का साइड नहीं ले सकता, मुंह बंद करके खड़ा है ना, उसके साथ मुझे कहीं जाना ही नहीं है। अब तुम रहो अपनी माँ के साथ इसी घर में, मुझे जाना ही नहीं है कहीं। खुश है ना आप, कहीं नहीं जा रहे हम। इशिका क्या माँ, आज हमारी एनिवर्सरी थी इसलिए बाहर जा रहे थे, और आपके लिए खाना बनाया तो था, इसमें गुस्सा करने की क्या बात थी? तू तो चुप रह जोरू का गुलाम, दिन भर सिर्फ अपनी बीवी की बात मानता है। अरे माँ की इज्जत नहीं है क्या, इतनी सी तो माँ की बात रख लिया कर कम से कम। घूमने के लिए मम्मी जी हम फैसला कर चुके हैं, मैं और विशाल ही घर छोड़ के जा रहे हैं। दिमाग ठीक है, विशाल मेरा बेटा है, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, तुझे जहाँ जाना है ना जा यहाँ से। हाँ तो आपके बेटे हैं जिंदगी भर आपके बेटे बन के नहीं रहेंगे, वो मेरे पति हैं और मैं उनकी जिम्मेदारी हूँ, मैं जहाँ जाऊँगी वो मेरे साथ जाएंगे। जिम्मेदारी नहीं आफत है तू, और वो ना मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अरे 9 महीने पेट में रखा है मैंने उसे, पैदा करा है, मुझे पता है अच्छे तरीके से, वो अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, तुझे जहाँ जाना है ना जा। हाँ तो पैदा किया जिंदगी भर हुकुम चलाएंगी क्या? मैंने आपको साफ साफ बता दिया है कि मैं और विशाल एक घर छोड़ के जा रहे हैं आपकी इन्हीं आदतों की वजह से, कम से कम हमें कुछ दिन तो शांति से रहने दीजिए। तू और विशाल नहीं, सिर्फ तू इस घर को छोड़कर जाएगी, और ये ना बार बार मेरे से बहस करने की जरूरत नहीं है कि विशाल तेरे साथ जाएगा, विशाल कहीं नहीं जाएगा, वो मेरा बेटा है। विशाल बोल दे इसे कि कहीं नहीं जाएगा तू इस घर को छोड़ के। मैं भी देखती हूँ कि विशाल कैसे नहीं जाएंगे, मैं बोलूंगी तो विशाल जरूर जाएंगे, जाएंगे ना विशाल? अरे बस करो तुम दोनों, परेशान आ गया हूँ मैं तुमसे, जब देखो सिर्फ झगड़ा करते रहते हो, और कोई काम नहीं है क्या? अरे तुम्हारी आवाज पड़ोसियों तक जाती है, हंसते हैं तुम पे, लेकिन तुम्हें तो शर्म आती नहीं है। अरे अगर बीवी का साथ दूं तो माँ बोलती है जोरू का गुलाम है, और अगर माँ का साथ दूं तो बीवी बोलती है कि माँ के पल्लू से बंधा हुआ है। अरे करूं तो करूं क्या मैं, आत्महत्या कर लूं क्या? अरे नहीं नहीं विशाल ऐसे मत बोलिए, आपके सिवा मेरा और है ही कौन। अरे मैं एक काम करता हूँ, मैं इस घर को छोड़ के चला जाता हूँ, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं बेटा तू कहीं मत जा, मैं बहू से बिल्कुल नहीं लड़ूंगी,
अरे पता नहीं मैं क्यों खामखा मैं इससे लड़ती रहती हूँ। बेटा प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद तुझसे बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगी। विशाल तू कहीं छोड़ के मत जाइयो मुझे। मम्मी जी मैं भी आपसे वादा करती हूँ मैं आपसे कभी नहीं लड़ूंगी, कम से कम मुझे तो समझ जाना चाहिए था, और आप घर की बड़ी हैं, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा तू माफी मत मांग, हम आज के बाद बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे, है ना? हाँ विशाल, और हम दोनों एक दूसरे की माँ बेटी बन के रहेंगे।